नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नैनो स्टडी पर। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकता है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे सकता है। जी हां, हम बात करेंगे भागवत गीता के बारे में। क्या आप जानते हैं कि यह ग्रंथ केवल धार्मिक ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए भी आज भी हमारे जीवन को एक सकारात्मक और शांति से भरा बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं और भगवत गीता से प्रेरित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि हर दौर में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किताब ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी को बदल दिया जो अपने जीवन से हार चुका था। आज हम उसी व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो भगवत गीता से प्रेरित होकर एक नया जीवन जीने लगा। कहानी है राजू की जिंदगी की। राजू एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से गाँव में रहता था। उसकी जिंदगी में हर रोज परेशानियाँ थी, नौकरी की कमी, पैसों की तंगी और रिश्तों में भी समस्याएं। वह हमेशा सोचता था कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत ने उसे छोड़ दिया है। एक दिन जब वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल हार चुका था तो उसके हाथ में एक पुरानी भगवद गीता आ गई जिससे उसके दादाजी ने उसे दी थी। राजू ने सोचा यह किताब पढ़कर क्या होगा, मेरी किस्मत तो वैसे भी खराब है। लेकिन किसी कारणवश उसने इसे पढ़ने का फैसला किया। राजू ने गीता के पहले अध्याय से शुरू की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, यह न मरती है न जन्म लेती है। इसने राजू को आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर किया। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी जिंदगी में बाहरी चीज़ों के कारण तनाव में था जबकि उसकी असली ताकत उसके भीतर थी। राजू ने अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी सोच बदलने लगी। वह अब बाहरी चीज़ों से ज़्यादा आंतरिक शांति की तलाश करने लगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राजू ने इस विचार को गहरे से समझा। उसने समझा कि वह जो भी काम कर रहा है उसे ईमानदारी पूर्व करना चाहिए। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं भी मिलता तो भी उसे मेहनत और समर्पण से अपना काम करना चाहिए। राजू ने अपना ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत पर लगाया और जल्दी ही उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी नौकरी में उसकी ईमानदारी और समर्पण देखा गया और उसे अच्छी पदोन्नति मिली। राजू ने गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा जहां वे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण की बात करते हैं। राजू ने अपने विचारों और भावनाओं का नियंत्रण करना शुरू किया। जब भी तनाव महसूस होता वह ध्यान करता और शांति की खोज करता। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में तनाव कम होने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। राजू ने गीता से यह भी सीखा कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्यों को निभाने की सलाह दी। राजू ने अब समझा कि वह जो भी काम कर रहा है वह एक दायित्व है और उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। इससे उसे न सिर्फ मानसिक शांति मिली बल्कि उसका काम भी अच्छे से चलने लगा। राजू ने गीता में प्रेम और सेवा की शक्ति को महसूस किया। उसने अब खुद को दूसरों के लिए समर्पित करना शुरू किया, न सिर्फ काम में बल्कि रिश्तों में भी। वह अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अधिक सहानुभूति और प्रेम से व्यवहार करने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके आसपास के लोग भी उससे प्रेरित हुए और उसके साथ अच्छे रिश्ते बने। दोस्तों, राजू की तरह हम सभी की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम भगवद गीता की शिक्षाओं को समझें और अपनाएं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में बदल सकते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, कैसे अपने कर्मों को निष्कलंक बनाएं और कैसे शांति और संतोष पा सकते हैं। अगर राजू अपनी ज़िंदगी बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस ज्ञान को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल नैनो स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और ध्यान रखें, आपका जीवन आपके हाथ में है, बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है।